तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ नाइट ड्राइविंग टिप्स, किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए रात में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम नाइट ड्राइविंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडलाइट कंट्रोल्स के बारे में जानना, जो भी आपके कार में है। ज़्यादातर कारों में, ये तो कार के मॉडल के हिसाब से, पर ज़्यादातर कारों में इस तरह की स्टिक ज़रूर होती है। और साथ ही साथ एक फोकस एडजस्ट करने के लिए एक स्विच भी होता है ज़्यादातर कारों में, अलग अलग शेप और साइज़ में होता है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले इस स्टिक की बात करते हैं हम। आपको हेडलाइट ऑन करने के लिए इस तरह से ये ऑन रखना होता है। और काफ़ी कंट्रीज़ में अब डे टाइम रनिंग लाइट का एक प्रचलन जो है वो आ चुका है, तो अपनी कंट्री में भी ये रूल लागू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब DRL जो है अपनी कंट्रीज़ में भी दिन में जो है लाइट जलती रहती है, ऑन रहती है। आप बस की को लगाइए, ऑन करिए और डे टाइम रनिंग लाइट ऑन हो जाएगी। और जिन कारों में ऐसा नहीं है, जो पुरानी कारें हैं उनमें इस तरह का ये स्विच दिया होता है जिसमें आप अपनी लाइट को ऑन कर सकते हैं। और असल में ये डे टाइम रनिंग लाइट ही रहती है, आप इसका इवनिंग में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑन करने से होता है जो डैशबोर्ड की लाइटें हैं वो ऑन हो जाती हैं, साथ ही साथ लाइटें आपकी ऑन होती हैं। जैसे कि ये देखिए, आप लो, एकदम लो लाइट जलती है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ भी इस तरह से टेल लाइट ऑन हो जाती है। साथ ही साथ आपकी नंबर प्लेट जो लाइट होती है वो भी ऑन हो जाती है। इसके बाद जो पोजीशन आती है वो आती है हेडलाइट ऑन की, जिसको आप नाइट में ऑन करके रखते हैं। ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं नाइट में भी, तो ये नाइट में यूज़ करने के लिए नहीं है, ये असल में डे टाइम रनिंग लाइट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इवनिंग टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं इसे। और जैसे ही सूरज ढला है, रात हो गई है, आपको दिखना बंद हुआ है, तो आप अपनी प्रॉपर तरीके से हेडलाइट को ऑन करेंगे, जो लास्ट में ये इस तरह से पोजीशन दी होती है। काफ़ी न्यू स्टूडेंट जो होते हैं वो, उनको लगता है कि शायद लो बीम लाइट ये है और हाई बीम लाइट ये है, पर ऐसा नहीं है, यही लो बीम लाइट है। और इसके बाद आप अगर स्टिक को इस तरह से पुश करेंगे तो आपकी हाई बीम लाइट ऑन होती है। और अगर आप सिर्फ इसको इस पोजीशन पर रख के और अपनी तरफ इसको खींचेंगे, यानी कि पुल करेंगे, तो इस तरह से आपकी हेडलाइट जो है ब्लिंक होगी, जो पासिंग लाइट आप कहते हैं कि पास मांगते टाइम आप ये लाइट जला सकते हैं, इस तरह से ब्लिंक कर सकते हैं। लो बीम लाइट, जहां आप देख रहे हैं कि ये हेडलाइट का शेप बना हुआ है और ये लाइट का फोकस है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और यहां पे आप देखेंगे ये हाई बीम लाइट का है जो सामने की तरफ है, हेडलाइट का शेप बना हुआ है और सामने की तरफ लाइट का फोकस आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी कार की लो बीम लाइट ऑन है या हाई बीम लाइट। तो ज़्यादातर कारों में यही होता है कि ग्रीन कलर में रहता है लो बीम लाइट और हाई बीम लाइट ब्लू कलर में शो होता है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे किस तरह से हमें अपने हाई बीम और लो बीम का यूज़ करना चाहिए, कब हाई बीम यूज़ करें और कब लो बीम यूज़ करें। यहाँ आप ये जो रोड देख रहे हैं, इस टाइम पे, इस रोड पे हम यूज़ करेंगे अपनी हाई बीम। वो किस लिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोड पे कोई भी अदर सोर्स नहीं है लाइट का, और साथ ही साथ कोई और कार भी नहीं आ रही है आसपास, तो यहाँ हमें अपनी हाई बीम का यूज़ करना है, क्योंकि ये एकदम घना अंधेरा है यहाँ पे, और हमें अपनी सिर्फ हेडलाइट को यूज़ करते हुए ड्राइव करना है। तो यहाँ पे हम अगर हाई बीम लाइट का यूज़ करें तो बिल्कुल सही है, और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं और काफ़ी लाइट का सोर्स है, काफ़ी कारें वगैरह भी आसपास से जा रही हैं, तो ऐसी जगह पे हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हाई बीम लाइट जलाने की। और बिना मतलब के हाई बीम लाइट जलाने से परेशानी भी होती है और लोगों को। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपके कार के सामने से कोई कार आ रही है तो ही सिर्फ आपको हाई बीम लाइट जो है बंद करनी है, ऐसी जगहों पे भी आपको हाई बीम लाइट जो है अपनी बंद करके सिर्फ लो बीम लाइट पे ही कार ड्राइव करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं, आप
एक कार आगे जा रही है, अगर इस टाइम पे भी मैं हाई बीम लाइट जलाता हूँ तो भी उनको परेशानी होगी, क्योंकि उनके जो IRVM है, जो रियर व्यू मिरर है, उस पर उस हाई बीम लाइट का फोकस जाएगा, जिससे भी उनको ड्राइविंग में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे समय में भी आप हाई बीम लाइट ना ही जलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप इस रोड पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी कोई अदर सोर्स नहीं दिख रहा है स्ट्रीट लाइट का, वो दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, पर यहाँ पे भी मैं हाई बीम लाइट यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे और जो गाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे जा रही हैं। हाई बीम लाइट यहाँ पे जलाने की वजह से शायद हो सकता है कि लाइट के फोकस की वजह से उनको डिस्टर्ब हो ड्राइविंग करने में, और आगे वाली गाड़ी को भी ऐसा सब परेशानी झेलनी पड़ती है हाई बीम लाइट की वजह से। और आपकी मिरर पे इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, ये हाई बीम लाइट का फोकस आता है, जिसके कारण परेशानी होती है। कई लोगों ने कमेंट में भी मुझे बताया कि ये परेशानी हमें होती है, तो इसके लिए आप या तो अपने मिरर को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए या तो थोड़ा सा नीचे कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नीचे करते हैं तो आपको थोड़ा झुक के देखना पड़ेगा जब आपको पीछे देखने की ज़रूरत पड़े, और अगर ऊपर करते हैं तो थोड़ा ऊपर होके आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप नीचे कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नाइट में हमेशा अपने इंडिकेटर का आप यूज़ करें कभी भी टर्न लेते समय। यहाँ से एक कार आ रही है आगे से, और इन्होंने हाई बीम लाइट जला रखी है, तो ये भी गलत है। अगर आपके सामने से कोई और कार जा रही है तो आप दूर से ही, चाहे वो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट या कोई भी अदर सोर्स ना हो, अगर आप दूर से देख रहे हैं कि कोई कार आ रही है तो उसी टाइम आप अपनी हाई लाइट जो है वो बंद करके लो बीम लाइट यूज़ करें, ताकि आगे से आने वाली कार को कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर से गुजर रहे हैं, जैसे ये स्पीड ब्रेकर है, अगर आपने लो बीम लाइट जला रखी है तो भी सामने वाली कार को परेशानी हो सकती है उसकी वजह से, क्योंकि उसके जो रियर व्यू मिरर है उस पर फोकस आएगा लाइट का, क्योंकि आपकी कार की हेडलाइट थोड़ा ऊँचा हो जाएगी, क्योंकि आगे का सरफेस जो है वो अपर पे रहेगा, अपर साइड पे रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए वो फोकस जा सकता है। तो इसीलिए जब ऐसे समय में आप ड्राइव कर रहे हो और स्पीड ब्रेकर कहीं हो, तो आगे आपने आगे वाली कार से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उसको कोई परेशानी आपकी हेडलाइट से ना हो, चाहे आपने लो बीम लाइट जलाया है तो भी। कुछ कंट्रीज़ में तो यहाँ तक रहता है कि अगर आप अननेसेसरी हाई बीम लाइट का यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी रोड हैं जहाँ पे गैर कानूनी हैं, कुछ कंट्री में ऐसा रहता है, पर कह सकते हैं अफसोस ज़्यादातर कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है, हाई बीम या लो बीम पे कोई चलान नहीं कटता है। और अगर आपके सामने भी कोई कार जा रही है तो आप लो बीम का अगर यूज़ करेंगे, हाई बीम का यूज़ ना करके, तो आपके सामने वाली कार को भी दिक्कत नहीं होगी ड्राइव करने में, उनके मिरर पे आपकी हाई बीम लाइट का फोकस नहीं पड़ेगा, जिसके कारण वो ईज़िली ड्राइव कर पाएंगे। और ओवरटेक करते समय भी आप हमेशा सिर्फ ब्लिंक करें इस तरह से, और फिर आप ओवरटेक करें, पासिंग लाइट का यूज़ करना है अपनी, ना कि आपको हाई बीम लाइट जला के ऑन कर देना है। नाइट के टाइम अगर आप किसी मोहल्ले किसी गली में ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप हॉर्न का यूज़ ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, अपने इंडिकेटर को यूज़ करके, और आप उस टाइम पे इस तरह से अपने हेडलाइट को ब्लिंक कर सकते हैं किसी से पास मांगते समय। इससे क्या होगा कि जो हॉर्न से जो नॉइस पोल्यूशन होता है उससे आसपास वालों को परेशानी नहीं होगी। पता है मैंने ऐसा कि आपको लो बीम लाइट ही यूज़ करनी चाहिए जब आसपास कोई और व्हीकल आपके सामने से जा रहा हो। तो ये आप देखिए फोकस इसका अभी आप देख रहे हैं कितना नीचे की तरफ है, और अगर आप हाई बीम लाइट जलाते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से फोकस है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।